राजधानी जयपुर में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ तस्कर सक्रिय हैं। इसी कड़ी में कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। सीएसटी टीम ने मानसरोवर और श्यामनगर थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं समेत तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में नगीना सांसी, बीना सांसी और रामू राम है। पुलिस ने आरोपियों से करीब 12 किलो मादक पदार्थ गांजा बरामद किया है। सीएसटी टीम ने पहली कार्रवाई मानसरोवर में की, जहां एक मकान में नगीना सांसी और बीना सांसी गांजे की सप्लाई कर रही थी। छोटी छोटी पुड़िया बनाकर यह गांजा सप्लाई किया जा रहा था। मौके पर 2 किलो मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ है। वहीं 51,000 गांजा की सप्लाई से आई राशि भी बरामद की गई है। इतना ही नहीं, जिस समय टीम ने कार्रवाई की उस वक्त एक डॉक्टर, एक इंजीनियर समेत अन्य स्टूडेंट्स गांजा खरीदने के लिए आए हुए थे। पुलिस ने 11 स्टूडेंट्स को भी मौके से गिरफ्तार किया है। दूसरी कार्रवाई श्यामनगर थाना इलाके में की, जहां रामू राम नाम का युवक नागौर से गांजा की खेप लेकर आया था। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी रामू राम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से 10 किलो गांजा बरामद किया है। फिलहाल श्यामनगर थाना पुलिस और मानसरोवर थाना पुलिस पकड़े गए मादक पदार्थ तस्करों से पूछताछ कर रही है। दूसरी कार्रवाई आज सुबह हमारी सीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति नागौर से गांजा लेकर गया रहा जो जयपुर में मानसरोवर इलाके में सप्लाई, नारायण विहार में सप्लाई देगा। इस पर सीएसटी टीम ने कार्रवाई की और वो बस के द्वारा, नागौर साइड से बस के द्वारा आ रहा था, जिसपे 200 फीट बाईपास से हमने उनकी रेकी चालू की। RJ-14 के सामने वो उतरा, उतरते ही हमारी टीम ने उसको दबोच लिया। उसके पास 10 किलो गांजा मिला। रामू राम जाट नाम का व्यक्ति था और ये हरीश विश्नोई से, नागौर से गांजा लेके आया था और यहाँ पे धनराज सांसी को इसको ये नारायण विहार में मानसरोवर में सप्लाई देनी थी। उसको अरेस्ट किया गया है। श्यामनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसे पूछताछ की जा रही है इसके सप्लायर को और उसके लेने वालों को।